बरसों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आशा वर्कर अपने ही वरिष्ठ गट प्रवर्तक के रवैये से परेशान होकर इस बारे में अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अधिकारी पीड़ित आशा वर्कर के समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से आखिरकार 22 मार्च को काम बंद आंदोलन करने तथा 24 मार्च को बाजार चौक पारशिवनी में भूख हड़ताल करने का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है। दहेगांव जोशी के अंतर्गत कार्य करने वाली पीड़ित 23 आशा वर्करों ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि यहां की समूह प्रवर्तक हमेशा किसी न किसी वजह से आशा वर्करों को परेशान करती है, जैसे कार्य का मुबदला न देना, हमेशा नौकरी से निकालने की धमकी देना, कार्य करने के बावजूद गलतियां न होते हुए भी गलतियां निकालना, हमारे बैंक अकाउंट में ज्यादा का काम दिखाकर पैसे डालना और फिर बैंक अकाउंट से निकाल कर मांगना, जो शासन के पैसों की अफरा तफर करने जैसा है। मीटिंग में देर होने पर गेट पर ही खड़े रखना, बाहरी व्यक्ति द्वारा दबाव बनाकर मीटिंग में आशा वर्कर को नौकरी से निकाल देने की हिदायत देना, अपमानित करना, अपने कार्यकाल लेखा जोखा मांगने पर गट प्रवर्तक द्वारा नहीं देना और भी शिकायतें पीड़ित आशा वर्कर ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कही है। समूह प्रवर्तक के खिलाफ बार बार शिकायतें करने पर भी गट प्रवर्तक के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई वरिष्ठ द्वारा नहीं की जाने से यहाँ की पीड़ित आशा वर्कर मानसिक तनाव में काम करने पर मजबूर है। आशा वर्कर ने पालक मंत्री नितिन राउत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरोग्य सभापति जिला परिषद नागपुर, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, पुलिस अधीक्षक नागपुर, तहसीलदार पारशिवनी, जिला आरोग्य अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, इन सभी को गट प्रवर्तक के खिलाफ शिकायत की है। फिर भी जांच के सिवा अभी तक कार्रवाई नहीं करने से यहां की आशा वर्कर परेशानियों का सामना कर रही है। आशा वर्कर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जहां की थाने में आशा वर्कर को बुलाकर आरोग्य अधिकारी के सामने कोरे कागज पर आंदोलन स्थगित करने के लिए हस्ताक्षर लिए जाने की बात आशा वर्कर हेमलता हतीठेले ने कही है। जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा न्याय दिलाने की बात आशा वर्कर से कही गई थी, पर आज तक न्याय नहीं मिला। जांच के नाम पर आशा वर्करों की ही जांच की जाने की बात आशा वर्करों द्वारा बताई जा रही है, जिसके खिलाफ जांच करना चाहिए वहां पर नाम रवैया जांच समिति ने अपनाया जाने का आरोप पीड़िता आशा वर्कर द्वारा किया जा रहा है। जांच समिति के समक्ष पीड़ित आशा वर्कर अपने ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में बताने आई थी, पर कुछ ही आशा वर्कर को जांच समिति ने बयान दर्ज करने बुलाया था। वहीं वहां आई कुछ पीड़ित आशा वर्कर को बाहर ही रखा गया, जहां की उनकी शिकायत जांच समिति ने नहीं सुनी होने की बात आशा वर्कर द्वारा कही गई। जब न्याय ही नहीं मिल रहा तो पीड़ित आशा वर्करों ने अपने हक के लिए रस्ते पर उतरकर न्याय के लिए अमरन अनशन करने का फैसला किया, जो 24 मार्च से पारशिवनी के गांधी चौक में किया जाने वाला है। वहीं 22 मार्च से पीड़ित आशा वर्करों ने 2 दिन काम बंद आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। पीड़ित आशा वर्कर द्वारा लिखित ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि जबकि स्थानीय पीड़ित आशा वर्कर ने गट प्रवर्तक के बारे में लिखित शिकायत तालुका आरोग्य अधिकारी से किए जाने के बाद यहां के आरोग्य अधिकारी ने वक्त रहते गट प्रवर्तक के खिलाफ जांच कर दोषी होने पर कार्रवाई की होती तो आज अनशन की जरूरत नहीं होती। पीड़ित आशा वर्कर का कहना है, खूब त्रास है, लेटर वगैरह आणखी जिल्हा परिषदेला पण लेटर दिलेलं आहे आणि ह्या लेटरचं उत्तर आम्हाला 8 दिवसात मिळालं नाही, तर आम्ही आज इथे पंचायत समिती इथे देत आहोत, तहसीलला पण दिलं आज देत आहोत आणि याच्यानुसार जर आम्हाला जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही उपोषणाची पण पूर्ण तयारी करीत आहोत। जर मिळालं नाही तर आम्ही धरणे आंदोलन आणि काम बंद आंदोलन हे करण्याच्या पूर्ण तयारीत आहोत। मासिक महिन्यामध्ये आमच्या आमच्याकडून जो अहवाल घेतला जातो गट प्रवर्तकांना दिला जातो, या फरवरी महिन्यामध्ये आम्ही तो अहवाल दिलेला नाही आहे आणि आम्ही पूर्णपणे गावामध्ये आमच्या एरियामध्ये पूर्णपणे काम करीत आहोत। तरी पण त्यांची जर आमच्याकडून अशी त्यांना जर आमच्याकडून अपेक्षा आहे की यांनी आम्हाला म्हणजे आकडे वगैरे किंवा माहिती द्यावी, तर आम्ही आमच्या गट प्रवर्तकाला न देता आम्ही TH ऑफिसला आपलं प्रपत्र सादर करू, आपली माहिती देऊ, एवढी आमची पूर्णपणे इच्छा आहे। की गट प्रवर्तक इचा जर तबादला होणार नाही तोपर्यंत आम्ही एकही कार्य करणार नाही आणि एकही रिपोर्ट देणार नाही।